आईलाइनर ना आपको हमेशा ये वाला लेना चाहिए इस तरीके से, जो ना ऐसे लगे। और आईब्रो फिल करने के लिए आपको देखिए इस तरीके से वाली ट्रिक यूज़ करनी है। बेस अप बनाएंगे इस तरीके से एंड यहाँ पर लेंगे ये वाला शेड। सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज यहाँ पर करेंगे एक सिंपल सा ब्राइडल आई मेकअप। आपने देखा होगा कि मतलब कई टाइम क्या ज़्यादातर ऐसा होता है कि ब्राइडल का लहंगा बहुत हैवी होता है, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो हमें ऐसे में चाहिए होता है कि एक लाइट सा हम जो है आई मेकअप करें जो कि बहुत ही प्रीटी लगे, स्पेशली डे मेकअप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई बेस बनाएंगे। आई बेस के लिए आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा यूज़ करेंगे, एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपकी जो वैनिटी में कोई भी सिंपल थिक बेस हो ना, कोई भी जिसकी कंसिस्टेंसी थिक हो फाउंडेशन से अलग, ठीक है, फाउंडेशन नहीं यूज़ करना है, उसको आप एज अ आई बेस अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद हम आपके पास कोई भी आई शैडो पैलेट है उसमें से ब्राउन कलर का शेड ले लो और इस तरीके से पूरी लिड पर मर्ज कर दो। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, ठीक है। तो जो मैं आई मेकअप के छोटे छोटे ट्यूटोरियल आपको सिखाती हूँ ना सेपरेट वाले, वो इसीलिए सिखाती हूँ कि आपका जो हाथ है वो सेट हो जाए और फिर आप बेस बनाने के सीधे बाद आई मेकअप कर सको। फिर हम क्या करेंगे, एक सिमर शेड लेंगे और उसको जो है आई लिड पर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। बस इतना ही हमारा आई मेकअप, और ये बहुत प्रीटी लगता है, स्पेशली जब आपके लिपस्टिक रेड होती है ना तो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, अमेजिंग लगता है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो छोटे छोटे ट्यूटोरियल होते हैं ना आई मेकअप के, आईलाइनर के, उनको आपको कम्प्लीटली देखना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। और ये वाले बेस मेकअप की वीडियो मैं इसके बाद डालूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से सिमर अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जो आई मेकअप है ना, सिर्फ बस दो शेड हमने इसमें यूज़ किए, कोई ज़्यादा खिचड़ी पकानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आईब्रोज़ को डिफाइन करेंगे। आईब्रोज़ डिफाइनिंग पर हमें स्पेशली ज़्यादा ध्यान देना है, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने कई लोगों का मेकअप देखा होगा कि कई लोगों ये मिस्टेक हो जाती है कि एक आईब्रो ऊपर उठी रहती है, एक आईब्रो सीधी रहती है, एक आईब्रो मोटी फील होती है, एक आईब्रो पतली फील होती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वर्क ना आप बेस के बाद नहीं कर सकते हो, जब आप सेपरेट सेपरेट करके छोटे छोटे स्टेप्स में जो है प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपका सेट एकदम मतलब हाथ एकदम सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं आज के टाइम पे मुश्किल से आधा घंटे में ब्राइडल मेकअप कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है, ओनली मेकअप, फेस मेकअप, ठीक है। तो मतलब बेस मेकअप और मेकअप, हेयर उसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये सारा पॉसिबल हो पाते हैं कि जो इतने सारे ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाते हैं और उसमें जो है हाथों की जो मतलब फिनिशिंग है और प्रैक्टिस है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टाइम लगता ही नहीं है, बहुत सिंपल लगता है, ठीक है। तो आपको भी यही चीज़ करना है, प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अब देखिए विंग लाइनर पिछली वीडियो में मैंने आपको टेपिंग से सिखाया था, आज बिना टेपिंग के सिखाऊंगी। आपको क्या करना है, जब आप लाइनर लगाओगे ना, आपको आंखें बंद नहीं रखनी, आपको आंखें हल्की ऐसे खोल के रखनी है। तो आपका जो साइड का कॉर्नर है ना विंग के लिए, आपको एक वहाँ पर एक गाइडलाइन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको विंग बनाना है, उसके बाद उसको इनर की साइड पर लाना है। जब आप आई लाइनर बंद करते हो ना और तब जो लाइनर लगाओगे, फिर आप जब आई ओपन करोगे तो वो फिर डिफरेंट लगता है, इसलिए आपको आई ओपन करके ही लगाना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप लोग के साथ में शेयर करती रहती हूँ, एंड आई होप कि आपको भी अच्छी लगती होंगी। तभी तो जो है आप लोग मेरी YouTube फैमिली हो या फिर Facebook फैमिली हो उसको इतना स्ट्रांग बना रहे हो, Insta फैमिली को भी बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दे रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, एंड बहुत सारी जगह से मुझे कॉल्स आते हैं क्लास के लिए। तो ऑनलाइन क्लास इस टाइम पर मैंने जो है नहीं ले रही हूँ, कुछ टाइम बाद वापस स्टार्ट कर दूंगी ऑनलाइन। और कई लोग जो है ऑफलाइन सीखने के लिए भी इंटरेस्टेड है अदर सिटी से, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों को जो है प्लान बताऊंगी कि क्या है। अब देखिए हम फॉल्स आईलेसेस अप्लाई करेंगे, और फॉल्स आईलेसेस हमें पहले क्या करना है, पहले मेजरमेंट ले लेना है कि क्या साइज है, ठीक है। क्योंकि जो फॉल्स आईलेसेस होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में होती है, और आपके क्लाइंट की जो आइज होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज में होती है। तो जिनकी छोटी आइज रहती है उनके लिए हमें आईलेसेस कट करके लगानी पड़ती है, ये नहीं कि जितनी बड़ी है आपने उतनी बड़ी लगा दी, ठीक है। अब देखिए लोअर लैश लाइन में हल्की सी शेडिंग दी है ब्लैक कलर की, और वापस उसमें ब्राउन कर देंगे। और जो है यहाँ पर मैंने काजल यूज़ किया है, प्रोडक्ट के नेम यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। जिसके पास जो प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट से प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी, ठीक है। अब देखिए ये रहा हमारा कंप्लीट लुक। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा, और इसके बाद जो है जब आप जो है इसमें बहुत सारे पिंक हार्ट दोगे ना कॉमेंट सेक्शन में, इसके बाद जो है मैं यहाँ पर बेस मेकअप अपलोड करूँगी जल्दी से जल्दी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।